बलिया ज्ञान कुंज विद्यालय जीरा बस्ती गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का वरदान। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया ज्ञान कुंज विद्यालय जीरा बस्ती गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का वरदान साबित हो रहा है। इस विद्यालय गरीब परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिससे वे अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकें। विद्यालय की विशेषता निःशुल्क शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण, अनुभवी शिक्षकों की टीम। ज्ञान कुंज विद्यालय ने मेरे बच्चे के भविष्य को बदल दिया है। मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरे बच्चे अब अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। एक अभिभावक अखिलेश कुमार पांडे प्रधान ज्ञान कुंज विद्यालय ने बताया कि मेरा 10 वर्ष से गरीबों के लिए शिक्षा का व्यवस्था कर रहे हैं। मेरा यह सपना है कि गरीब बच्चे भी आसमां छुआ और समाधिक पद पर भी काबिल हों। मेरा नाम अखिलेश कुमार पांडे, मैं ज्ञान कुंज इंटरमीडिएट कॉलेज का जो प्रबंधक हूँ और विद्यालय जीरावस्ती ग्राम जीरावस्ती बलिया में चलता है। कितनी वर्षों से सर आप सेवा देते हैं? यह सेवा जो है कि हम आज 10 वर्षों से दे रहे हैं। सर आखिर आपने विद्यालय क्यों चयन किया, क्योंकि आप अन्य क्षेत्र में जा सकते थे, लेकिन आपने विद्यालय ही क्यों चुना? मैं विद्यालय चुनने का इसका कई कारण है। मैं शुरू से ही इसमें बहुत इंटरेस्टेड था। मैं पढ़ाई पीरियड से ही जो है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत इंटरेस्टेड था, और उसके बाद से मैं जो है कि कई जगह प्राइवेट विद्यालय चाहे कई विद्यालयों में मैंने अपनी सेवाएं दिया है, और सेवा देते देते मेरे दिमाग में ये आया कि एक ऐसे लेवल पर ले चले कि जहाँ पर हर गरीब तबके के बच्चे जो है कि अपना शिक्षा जो है कि ग्रहण कर सके, जिससे जो है कि हर परिवार से बच्चों का जो है कि उनका कल्याण हो सके और वह अपने मार्गदर्शन और आगे चल आगे बढ़ सके इस क्षेत्र में। इसलिए इस क्षेत्र को मैंने चुना कि कुछ अच्छा कार्य किया जाए समाज में और शिक्षा दिया जाए। सर और बात करें जिस तरह जीरा बस्ती भी कहीं ना कहीं काफ़ी पिछड़ा बस्ती माना जाता जी, है जी जी, और उस बीच आप बच्चों को सेवा देते हैं, तो कितना सर समस्याओं का सामना? समस्याओं का बहुत सामना करना पड़ता है, तमाम समस्याएं। किसी बच्चे के पास जो है कि पैसे नहीं, तो किसी के पास से वस्त्र नहीं, तो किसी के पास किताब नहीं, तो उन सभी समस्याओं का सामना करते हुए भी उनको हम अच्छा से अच्छा जो है कि एजुकेशन जो है कि देने का हम प्रयास करते हैं। अच्छा, लेकिन सर बात करेंगे कि इस समय त्योहारों का समय चल रहा है, आप अपने अभिभावकों तक क्या संदेश देंगे? हम अभिभावकों तक यही संदेश देंगे कि इस त्यौहार में बच्चों को अच्छे से अच्छे जो है कि तालीम संस्कार और हर तरह से जो है कि बच्चों को त्यौहार का ज्ञान कराएं कि जो भी त्यौहार हो, मतलब नवरात्रि हो, दीपावली हो, छठ हो, हर त्यौहार का कोई ना कोई मतलब होता है। ऐसे ही त्यौहार नहीं मनाए जाते, तो उन त्यौहारों को जो है कि हम भी अपने तरफ से उन बच्चों को शिक्षित करें और बताएं उनके बारे में, और गार्जियन की भी फर्ज होता है कि वह भी जो है कि उनको जो है कि इसके बारे में पूर्ण जानकारी दे। आपका सर विद्यालय कितने कक्षाएं चलती हैं? सर कक्षाएं हमारी जो है कि 12वीं तक चलती है। नर्सरी से 12वीं तक। सर बात करेंगे इस समय भावकों के मन में एक जिज्ञासा उठ रहा है कि पेन वास्तु में है क्या और पेन का मतलब होता क्या है? सर थोड़ा हम चाहेंगे कि आप पेन सरकार द्वारा चलाई गई है, और इससे यह है कि कहीं दूसरा बच्चा दूसरी जगह जो है कि ना जा सके, और हम एक जगह बच्चा बंद करके जैसे 1 से लेकर 5 तक जो है कि बच्चा का एडमिशन हो रहा है, तो वहां तक बच्चा जो है कि कंप्लीट जो है कि एजुकेशन को वह प्राप्त करे। सर जो ये पर्सनल एजुकेशन नंबर है जो पेन जी, तो ये कितना खास रहेगा बच्चों के लिए? बच्चा जब LKG में एडमिशन कराता है उसका भी अलर्ट होगा? उसका भी अलर्ट होगा। क्या वही नंबर चलेगा 12th तक? हाँ वो चलेगा, मतलब कि बच्चा 12th तक नहीं चलेगा, 8th तक। अच्छा 8th तक चलेगा, 8th तक चलेगा, उसके बाद से बोर्ड जो है कि अपना दायित्व संभालता है। अच्छा फिर इसके बाद मतलब कि आप लोग प्राइमरी नर्सरी से लेकर 8th तक आपको प्रेम, तो किसी बच्चे को सर कक्षा 5 में अलर्ट हुआ है तो क्या वो आगे वही पे कार्य करेगा? हाँ उसी पर कार्य करेगा। ठीक सर, यदि आपका विद्यालय में किसी को एडमिशन कराना है तो कैसे आपसे संपर्क करेगा, कहाँ पे आपका विद्यालय चलता है, पुनः एक बार आप बता दीजिए सर। वह जो है कि हमारे नंबर पर संपर्क कर करके, जैसे आपका नंबर क्या है? नंबर है मेरा जो एक मोबाइल नंबर है, और विद्यालय का जो कि स्थान है जीरावस्ती में है, तो आपका मोबाइल नंबर सर 7785027710। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद।